नमस्कार, मैं हूं अवनी चौधरी और आप देख रहे हैं हरियाणा आज। चलिए नजर डालेंगे हरियाणा की टॉप 25 खबरों पर। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा मुखी राम रहीम ने किया दावा, बोले T10 और T20 क्रिकेट की शुरुआत मैंने की। ऑनलाइन सत्संग में राम रहीम ने कहा है कि 24 साल पहले इसे सिरसा के गांव जलालाना में इसे शुरू किया था। तब बड़े बड़े प्लेयर्स कहते थे कि ये भी कोई क्रिकेट है, कोई खेलने नहीं आता था। आज पूरी दुनिया ने इसे अपना लिया। रेवाड़ी दिल्ली रूट पर 3 ट्रेनें हुई रद्द। उत्तर रेलवे की तरफ से पालम बिजवासन के बीच ट्रैफिक और पावर ब्लॉक किया गया है। इसके चलते श्रीगंगानगर रेवाड़ी मेरठ एक्सप्रेस को दिल्ली से श्रीगंगानगर के बीच आंशिक तौर पर रद्द कर दिया गया है। पानीपत में कार की टक्कर से 4 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। बता दें कि दुकान पर सामान लेने गए 4 साल के बच्चे को मैजिक कार ने कुचल दिया। वारदात के बाद भागने के प्रयास में कार चालक ने दोबारा फिर से बच्चे पर कार चढ़ा दी। यहां लोगों ने कार चालक को मौके पर ही दबोच लिया और पुलिस को सूचना दी। आईटी हब बनने जा रहा है हरियाणा। इसके पीछे की वजह 88,840 करोड़ रुपए का निर्यात है। कृषि उपकरण के साथ ही चावल निर्यात में हरियाणा का कारोबार 13,736 पहुंच गया है। पानीपत नगर निगम को आज घेरेगी कांग्रेस। 2 घंटे का देंगे शांतिपूर्वक धरना। बुल्ले शाह करेंगे नेतृत्व। भ्रष्टाचार एनओसी का रहेगा बड़ा मुद्दा। आज रोहतक पहुंचे बिजली मंत्री रंजीत चौटाला। मानेसर से सीएम मनोहर लाल, आयुष्मान भारत योजना के अंत्योदय परिवार का करा विस्तार। करनाल की मंडियों में हो रहा धान घोटाला, फिजिकल वेरिफिकेशन खोलेगी भ्रष्ट राइस मिल संचालकों की पोल। खजाना व उप खजाना कार्यालयों से पेंशन ले रहे जिला के पेंशनरों को नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अब होगा अनिवार्य। जिला खजाना अधिकारी राजीव शर्मा ने बताया है कि सभी पेंशनरों ने अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार निर्धारित तिथि को खजाना कार्यालय में आकर अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। रोहतक में चुनावी रंजिश के कारण रोड से तोड़ा युवक का पांव। बता दें कि पिस्तौल के बल पर पहले युवक को बंधक बनाया और फिर रोड से हमला कर दिया। हमले में उसे गंभीर चोट आई, जिसका रोहतक PGI में उपचार चल रहा है। वहीं आरोपियों ने मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और पैसे भी छीन लिए। सीएम मनोहर लाल ने फरीदाबाद को दी बड़ी सौगात। उन्होंने पेयजल और योजनाओं को शहर के लोगों को समर्पित किया। सीएम ने MCF और फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण से जुड़ी स्वच्छ पेयजल सप्लाई से जुड़े सेक्टर 22, सेक्टर 23 और संजय कॉलोनी के जलघर का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वातावरण में प्रदूषण को लेकर कहा है कि वातावरण में प्रदूषण को रोकने के लिए हवन यज्ञ पद्धति कारगर है। दिल्ली आसपास के इलाकों में तो हवा की क्वालिटी बड़ा विषय बन गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बहादुरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व विधायक नरेश कौशिक की माता के निधन पर शोक जताया। सीएम मनोहर लाल ने पूर्व विधायक की माता की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करे, उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बहादुरगढ़ में सीएम ने सुनी आमजन की समस्याएं। इस दौरान मनोहर लाल ने BJP कार्यकर्ताओं का हालचाल जाना और मौके पर मौजूद लोगों की समस्या भी सुनी और समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। कुरुक्षेत्र में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़, गीता जयंती समारोह में आयोजित मुरारी बापू की श्री राम कथा में प्रवचन श्रवण करने पहुंचे। इस दौरान OP धनखड़ ने कहा है कि रामायण ग्रंथ में उल्लेख लड़ाई राज लेने की नहीं, राज देने के लिए होता है। हरियाणा के झज्जर के बाडसा में खुलेगा IIT दिल्ली का एक्सटेंशन कैंपस। CM मनोहर लाल ने दिल्ली के IIT अधिकारियों से की वार्ता। महेंद्रगढ़ में बिजली के ट्रांसफॉर्मर्स में टकराने के बाद कार में लगी आग, 4 धमाकों से दहला गांव अगिहार। रोहतक में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बता दें लखन माजरा खंड के गांव चिंडी में समर्थकों को अपने चहेते प्रत्याशी काला चेयरमैन के सरपंच चुनाव में हार बर्दाश्त नहीं हुई। समर्थकों ने एकत्रित होकर उम्मीदवार को 2.11 करोड़ रुपए और स्कॉर्पियो गाड़ी देकर सम्मानित किया। हारे हुए प्रत्याशी का ये सम्मान इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने BJP पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने BJP पर दल बदल को बढ़ाने के आरोप लगाए। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, ED और दूसरी सरकारी एजेंसियों का डर दिखाकर लोगों को भाजपा में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। फरीदाबाद में सरपंच पद और पार्षद के इलेक्शन का दौर जारी है। ऐसे में शांतिपूर्ण तरीके से लोगों का प्रचार प्रसार हो और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है।
फतेहाबाद में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। जिले में डेंगू के 5 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद डेंगू के कुल मामले की संख्या बढ़ाकर 115 हो गई है। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की चेकिंग जारी है। अम्बाला में इटली भेजने के नाम पर एजेंटों ने गुरविंदर से लाखों रुपए ठग लिए, बावजूद इसके गुरविंदर इटली नहीं पहुंच पाया। वहीं गुरविंदर की मौत रोमानिया के जंगल में हो गई और इसके बावजूद एजेंटों ने इसकी जानकारी गुरविंदर के परिजनों को नहीं दी। पर जैसे ही परिजनों को गुरविंदर की मौत के बारे में पता चला तो उन्होंने एजेंट के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करवाई। महेश नगर थाना क्षेत्र इलाके के पंजाबी बाग के एक मकान में जुए का अड्डा चलाने की सूचना पुलिस को मिली, जिस पर करधान पुलिस चौकी और महेश नगर थाना क्षेत्र की पुलिस टीम ने मकान पर छापा मार दिया, जहां पवन साथियों के साथ जुआ खेल रहा था। पुलिस ने वहां मौजूद सभी 13 लोगों को जुआ खेलते गिरफ्तार कर लिया और मौके से 22,000 की राशि बरामद कर ली। करनाल में दूल्हा दुल्हन की गाड़ी से टकराया पशु, इस टक्कर में पशु की मौके पर हुई मौत, जबकि गाड़ी में सवार दूल्हा दुल्हन सहित सभी लोग बचे बाल बाल। आज RDA की OPD में 2 घंटे रहेगी पैन डाउन हड़ताल, DMER से मिलेगा विद्यार्थियों का प्रतिनिधि मंडल। ऐसी और खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए हरियाणा आज। खास खबर हो या सवाल आपका, हम आपको दिखाएंगे विश्वसनीय खबर, इसीलिए हमारे सभी पेजों को कर लीजिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ताकि हर खबर पहुंचे आप तक सबसे पहले।